खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश मोहम्मद व लश्करे तैयबा के 4 से 5 आतंकी दिल्ली में घुस आए हैं। खबर के मुताबिक यह इनपुट पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां समेत तमाम पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बाजारों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही बॉर्डरों को सील कर जगह जगह बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट कल जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने इसकी जानकारी दी है। गोयल ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम सिंह साय टेकाम सुबह 11 बजे परिणाम घोषित करेंगे। परिणाम को लेकर बोर्ड छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह है। परीक्षार्थी परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परीक्षार्थी अपना परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देख सकेंगे। बता दें कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं के परिणाम देरी से जारी हो रहे हैं। झीरम घाटी नक्सल हमले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर से सियासी जंग की शुरुआत हो गई है। दोनों दल के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम नक्सल हमले के लिए सीधे तौर पर रमन सरकार जिम्मेदार रही है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद NIA की जाँच को प्रभावित किया गया, इसलिए अब SIT जांच कराना चाहते हैं, लेकिन NIA केस डायरी नहीं दे रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार किया है। BJP नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास सबूत है तो सामने रखे, फिजूल में आरोप लगाते न फिरे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में बिहार के CM ने वेब सीरीज, लाइव स्ट्रीम और TV सीरियलों के जरिए अश्लीलता के प्रसार पर चिंता जताया है। नीतीश कुमार ने देश की महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र करते हुए PM मोदी से अपील की है कि TV पर प्रसारित होने वाले सीरियल, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस को भी सेंसर के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में अश्लील और हिंसक चित्रण के कारण आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने इस तरह के कार्यक्रमों के कारण जनमानस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कही है। बोधघाट परियोजना पर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने चिंता जाहिर की है। किसान सभा ने कहा है कि सिंचाई के नाम पर विनाश कतई मंजूर नहीं किया जा सकता, उसकी जगह वैकल्पिक विकेंद्रीकृत लघु सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितों के प्रति चिंतित है तो ईमानदारी से उसे पहले संविधान से सृजित आदिवासी अधिकारों की स्थापना करने की पहल करनी चाहिए। किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि लगभग 50 गांवों में 14,000 हेक्टेयर भूमि के डूबने, खरबों की संपत्ति के नष्ट होने और अकल्पनीय सामाजिक पर्यावरणीय नुकसान के साथ ही 23,000 करोड़ के निवेश की कीमत पर सिंचाई के नाम इस परियोजना के पक्ष में मुहर नहीं लगाई जा सकती। यह विकास का नहीं वास्तव में विनाश का कारपोरेट मॉडल है। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होते ही पिछले 24 घंटे से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और अब तक 2 सेंटीमीटर से अधिक तक की बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और नमी बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि 25 जून तक लगातार बारिश होगी। रायपुर में भी 72 घंटे तक बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पंजाब, बंगाल, हरियाणा में द्रोणिका के सक्रिय होने और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान का घेरा बनने से भारी बारिश के आसार राज्य में बन रहे हैं।